हाय वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स नेस्ट। आज हम बात करेंगे कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको सीढ़ियाँ कब से चढ़ना उतरना चाहिए, यानी कि जो सीढ़ियाँ हैं आप कब से यूज़ कर सकते हो या जो भी आपके घर का जो काम है वो आप कब से कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास बहुत से जो कमेंट है वो यही आते हैं कि दी मेरी डिलीवरी को एक महीना हो गया है या दो महीने हो गए हैं, मैं स्टेयर्स कब से चढ़ सकती हूँ उतर सकती हूँ, या घर का जो भी ये सब काम है मुझे अकेले करना पड़ता है तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मैं कब से ये सब काम कर सकती हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है वो स्पेशली आप लोगों की डिमांड पे ही है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि जो सी सेक्शन डिलीवरी जो है वो एक मेजर सर्जरी है, यानी कि जिसे बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है, तो जो डॉक्टर्स हैं वो एटलीस्ट आपको 6 वीक्स तक तो रेस्ट करने को बोलते ही हैं, सजेस्ट किया ही जाता है, यानी कि जो 40 दिन जो माने जाते हैं पहले फर्स्ट 40 डेज तब तक आपको रेस्ट करने को बोला जाता है। क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी में क्या होता है कि हमारे जो बैक पे जो सीसिया जो लगता है, इंजेक्शन जो लगता है, तो उससे भी जो हमारी बैकबोन है उसको बहुत स्ट्रेस आता है, उससे भी जो हमारी जो बोन है वो थोड़ी वीक हो जाती है। तो इसलिए आपको कम्प्लीटली हील होने के लिए, अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ ही जो स्टिचेस जो हमारे आते हैं लोअर एब्डोमेन में, उसको भी पूरी तरह से हील होने में टाइम लगता है। आप एक महीना मान लीजिए लग जाता है उसको पूरी तरह से हील होने में, वो भी सिर्फ आउटर स्टिचेस, जो इंटरनल स्टिचेस हैं उसको हील होने में और ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि 4 से 5 महीने आप मान लीजिए कि इंटरनल स्टिचेस को कम्प्लीटली हील होने में इतना टाइम लग जाता है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि जो हमारे जो आउटर स्टिचेस हैं वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, हमें किसी तरह का कोई पेन नहीं है, या हमें चलने फिरने में उठने बैठने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो हम सोचते हैं कि नहीं हम तो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। और उसके साथ ही जो भी जो घर का काम है वो स्टार्ट कर देते हैं करना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मेरी मानो तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कि आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो, आपका घर जो है वो सेकंड फ्लोर पे है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप जैसे हॉस्टल से आए हो तब भी आपको स्टेयर चढ़नी पड़ेगी, या आपको डॉक्टर विजिट पे भी जाना पड़ता है 10 दिन बाद, तब भी आपको जो स्टेयर्स हैं वो यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन जितना जरूरी है उतना ही कीजिए, या आपका जो रूम है, रूम जो फर्स्ट फ्लोर पे है तब आपको स्टेयर्स यूज़ करनी पड़ती हैं, तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि जितना टाइम आपको रेस्ट की ज़रूरत है, यानी कि 1.5 से 2 महीने तो आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो उतना टाइम आप नीचे शिफ्ट हो सकते हो, ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो सकते हो, कि आपको बार बार स्टेयर्स जो है वो यूज़ ना करनी पड़े, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस ना आए। या अगर आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि आप नीचे शिफ्ट हो सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी ज़रूरत का जो भी आपको सामान पूरे दिन भर में आपको ज़रूरत पड़ती है वो आप अपने रूम में किसी को बोल करके रखवा सकते हो, कि आपके साइड में ही वो रहे सामान, आपको बार बार ऊपर नीचे ना दौड़ना पड़े, या आपकी जो ऊपर नीचे आपका जो आना जाना है वो बहुत ही लिमिटेड रहे, यानी कि दिन में सिर्फ 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, और वो भी बहुत धीरे धीरे। आपके साथ कोई होना चाहिए कि आपको अकेले ऊपर नीचे नहीं दौड़ना है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी जो है वो वीक हो जाती है, बहुत वीकनेस फील होती है, इसलिए आप अकेले जो है स्टेयर्स यूज़ करना अवॉइड कीजिए। और उसी के साथ ही हो सकता है कि जैसे कभी पैर स्लिप हो गया या कभी चक्कर आ गया कुछ भी, तो इसलिए हमेशा किसी को अपने साथ रखिए जब भी आप स्टेयर यूज़ कर रहे हैं। जैसे मेरे केस में था कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी तब हम सेकंड फ्लोर पे ही रहते थे, तो उस टाइम पे जब मुझे हॉस्पिटल से घर आना था तो मुझे स्टेयर्स यूज़ करनी ही पड़ी थी, और उसके बाद भी जब मुझे आफ्टर 1 वीक डॉक्टर को फिर से विजिट करने जाना था तब भी मुझे स्टेयर यूज़ करनी पड़ी थी, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस टाइम पे ये होता है कि आप बहुत ही धीरे धीरे स्टेयर चढ़िए, कि आपकी बॉडी पे कोई लोड नहीं आना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, तो बहुत धीरे धीरे से आप स्टेयर्स चढ़िए और उतरिए, जैसे कि आप सिंपल चल रहे हो वैसे ही। अगर आपको थोड़ा सा भी थकावट लगने लग रही है 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ के, या आपको थोड़ा भी स्टिचेस पे या पेट पे थोड़ा भी प्रेशर लग रहा है, तो वहीं पे ही रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, फिर और ऊपर चढ़िए। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में प्रेशर नहीं आएगा, आपके स्टिचेस पे कोई खिंचाव ना आपको नहीं महसूस होगा, या आपकी बॉडी में कोई थकावट नहीं आएगी। और उसी के साथ ही स्टेयर्स चढ़ने के बाद अगर आपको ऐसे कुछ भी साइन अगर लग रहे हैं इन्फेक्शन के, कि आपको चेस्ट पेन होने लगा है, या ब्रीदिंग में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, या उसी के साथ ही हो सकता है आपका जो जैसे जो ब्लीडिंग होती है वो आपका फ्लो एकदम से हैवी हो गया है, या आपको जलन हो रही है, या स्टिचेस में थोड़ा भी आपको लग रहा है कि थोड़ा डिस्चार्ज कुछ होने लगा है, तो उस केस में आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। और अगर स्टेयर्स चढ़ते या उतरते टाइम अगर आपका पैर थोड़ा सा भी अगर स्लिप हुआ, या आपको लगता है कि आपके स्टिचेस पर या पेट पर थोड़ा सा भी झटका आ गया है, तब भी आपको डॉक्टर को एक बार ज़रूर विजिट करना है। और उसी के साथ ही आप लोगों के बहुत से कमेंट ये भी आते हैं कि मुझे जैसे 1 महीना हो गया है या 2 महीने हो गए हैं, और मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लगा है, या जॉइंट्स पेन होता है, तो ये सब जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ये हर मतलब लेडी के साथ ये होती है कि डिलीवरी के कुछ टाइम बाद बैक पेन जो है होता ही होता है, तो इसीलिए जो भी प्रिकॉशंस हैं आपको स्टार्टिंग फेज में ही लेनी है।
कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना ही करना है, एटलीस्ट अगर 2 महीने तो करिए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 1 से 1.5 महीना तो आपको रेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर होने के लिए, हील होने के लिए इतना टाइम तो चाहिए ही। तो इसलिए अब ये मत सोचिए कि मुझे ये सब पूरा घर का काम करना है, आपसे जितना हो पा रहा है आराम से उतना ही करिए, नहीं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को बोलिए, अपने पार्टनर को बोलिए स्पेशली हेल्प के लिए। इस टाइम पे सबको पता है कि आपकी अगर सर्जरी हुई है, आपका ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है आपकी, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप सबसे पहले ये बात आपको ही समझनी है कि आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, आपको रिकवरी के लिए रेस्ट की ज़रूरत है। और अगर आपको लग रहा है कि घर पे कोई ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो हो सके तो आप एक मेड हायर कर लीजिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो अपना जो फिजिकल वर्क है उसको बहुत ही लिमिटेड रखिए, कि आपकी बॉडी पे, आपके स्टिचेस पे कोई ज़्यादा प्रेशर ना आए। आपको किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं करनी है कि हाँ मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, या मेरे स्टिचेस जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए, या आप तो कोई प्रॉब्लम होगी ना, इतना टाइम हो गया है, अब मैं ये भी काम कर लूँ वो भी काम कर लूँ, तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको किसी भी चीज़ की कोई जल्दी नहीं करनी। इस टाइम पे जो आपका फोकस है वो होना चाहिए आपकी रिकवरी पे, आपकी हीलिंग पे। स्टार्टिंग में अगर आप ये प्रिकॉशन नहीं लोगे तो इन्फेक्शन के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। आउटर इन्फेक्शन अगर नहीं होगा, मान लीजिए स्टिचेस जो है वो हील हो गए हैं, उसके बाद आपने ये सब काम शुरू किया है या सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू किया है, तो हो सकता है इंटरनल स्टिचेस में कुछ इन्फेक्शन हो जाए। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपनी हेल्थ पे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना आप रेस्ट करोगे उतनी ही जल्दी क्या है आप रिकवर हो पाओगे। इस वीडियो में हमने बात की कि आप स्टेयर्स कब से यूज़ कर सकते हो, या आपको किस तरह से यूज़ करनी है, और घर का काम आप कब से कर सकते हो, और उसी के साथ ही जब भी आप स्टेयर्स यूज़ कर रहे हो तब आपको अगर कुछ भी इन्फेक्शन का साइन लग रहा है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। और जो भी घर का काम जो आप कर रहे हो, तो वो काम करते टाइम अगर कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अचानक से आपको थकावट होने लग गई है, या आपके स्टिचेस पे थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि प्रेशर आ गया है, या जैसे बार बार झुकना नहीं है घर का काम करते टाइम, या कोई हैवी सामान आपको नहीं उठाना है, क्योंकि काम करते करते नहीं पता लगता कि हम उठा लेते हैं, तो उस टाइम पे एक बार आपको डॉक्टर को जरूर चेकअप करवाना है कि आपने जैसे गलती से कोई भारी सामान उठा लिया है, या जैसे आटा गूंथते टाइम, मेरे पास ये भी बहुत कमेंट आता है कि डिलीवरी को इतना टाइम हो गया है तो क्या हम आटा गूंथ सकते हैं, तो अब आटा आप गूंथ सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जोर लगा के नहीं गूंथना है। या आपको लग रहा है कि आटा गूंथने से, या किचन का कोई भी काम करते टाइम अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी पर प्रेशर आ रहा है, कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको थकावट लग रही है, तब आपको सब काम छोड़ के रेस्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ आपको ही सबसे पहले समझनी है कि आपकी बॉडी अभी कम्प्लीटली हील नहीं हुई है, उसको हील होने के लिए टाइम चाहिए। सो होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आपके जितने भी डाउट्स थे कि आप स्टेयर्स कब से यूज़ कर सकते हैं, घर का काम कब से कर सकते हैं, वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।